नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं अनीपुर फार्मर यूट्यूब चैनल। और जो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं अपने बगीचे में पानी दे रहा था बोरिंग से, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है और एक तरह से अकाल पड़ा है। अब मेरे को पानी दिए हुए दो दिन ही हुए कि उसके बाद मैं आज 23 सितंबर 2022 के दिन रात को काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। अब बारिश के ऊपर ही मेरे को ये वीडियो बनाना है कि फ्लोरिंग का टाइम काफ़ी ज़बरदस्त चलता है और हम काफ़ी मात्रा में यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि उसमें ये बताया जाता है कि फ्लोरिंग के टाइम पे अगर बारिश हो जाती है या फ्लोरिंग के टाइम पे आप पानी देंगे तो फूल है जो झड़ जाता है। अब आप बोरिंग से पानी देते हैं तो पानी जो है नीचे देंगे तो उससे जैसे बारिश से तो बारिश पड़ेगी तो ऊपर से जो फूल है वो भी झड़ेगा। तो ये तो मेरे को देखने को मिला है कि जब बारिश हुई है तो कुछ मात्रा में फूल है वो झड़ाए, या तो वो जैसे नर फूल होगा जो झड़ने ही वाला था वो और बारिश से झड़ चुका है। तो ये कुछ परसेंट तो फूल झड़ाए, ये बात तो एकदम सही है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे हमने पानी दिया था तो क्या उससे भी फूल झड़ता है, तो ये रिजल्ट तो आगे आपको देखने को मिलेगा जब इसमें फ्लोरिंग के बाद में फल का टाइम आएगा तो पता लगेगा कितनी मात्रा में फल है वो बन चुका है। अब दूसरी बात ये आती है कि जब ये अब बरसात और हो गई है, अब बरसात के टाइम में तो जैसे ऊपर से बारिश हुई है काफ़ी धीमे धीमे हुई, वैसे तो रात को इतना हवा भी नहीं चल रही थी, हो सकता है दिन में हवा चले क्योंकि अभी स्टार्ट भी हो गई है, तो जैसे एक दूसरे से डालियाँ टकराएंगी तो भी फूल झड़ता है। ये भी एक देखने वाली बात है और एक सच्चाई भी है। तो कुछ मात्रा में जो फूल है जो फूल या तो वो झड़ने वाला तो जो पावरफुल फूल होता है वो नहीं झड़ता है जिससे फल बनता है, और जो नर फूल होता है वो झड़ जाता है, मादा फूल नहीं झड़ता है क्योंकि मादा से फल बनने की तैयारी होती है। तो किसान साथियों, वीडियो बनाने का मकसद केवल यही है कि जैसे बारिश हुई है तो उससे भी फूल झड़ेगा क्या, पानी ज़्यादा हो गया। अब बारिश में आप देख सकते हैं मेरे पीछे के जो पानी है वो काफ़ी मात्रा में भर गया है पौधों के अंदर, ये देखिए। और ये आपको हमारे पीछे हमारी झोंपड़ी दिख रही होगी, तो ये आप देख सकते हैं कि झोंपड़ी के आगे कितना पानी बढ़ चुका है और पौधों के अंदर ये पानी आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ये फ़ायदेमंद रहेगा हमारे लिए पाइनएप्पल ग्रीन बेर के लिए या फिर नुकसानदायक रहेगा? इसका परिणाम तो आपको जब फल फूल से फल बन जाएगा तभी पता लगेगी कि इससे कितनी मात्रा में फल बनाएं या फल बनने के लिए इस बरसात से नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है। इसका तो अभी इस टाइम हम कुछ नहीं कह सकते, और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि हमको अंत तक इंतज़ार करना चाहिए। तो साथियों, हमें अंत तक इंतज़ार करना चाहिए कि जो फल है वो कितनी मात्रा में बनाए। अगर इससे नुकसान होगा तो वो रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा, और अगर इससे फ़ायदा होगा तो वो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। और ये रिज़ल्ट कैसे आएगा आपके सामने, जो मैं आगे वीडियो डालूंगा और उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस समय बारिश हुई थी 23 सितंबर 2022 को बारिश हुई थी, उसका परिणाम अच्छा रहा या नुकसानदायक रहा। तो आप वीडियो देखते रहना। तो किसान साथियों, थोड़ा बहुत तो मैं आपको यहाँ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको बगीचे में दिखाऊंगा कि किस तरह से ये पानी भर गया है, और पूरे खेत का तो सैर, पूरे बगीचे का सैर आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि कुछ मात्रा में ही आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि जो बरसात है वो कितनी मात्रा में हुई है। तो आइए किसान साथियों, आपको मैं दिखाता हूँ कि बरसात है वो कितनी हुई है। तो किसान साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए सारे बगीचे को तो नहीं दिखाऊंगा, मगर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए खेत में काफ़ी बारिश हुई है, ये आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, और इधर भी ये देखिए आप, इसमें सफाई का काम भी चल रहा है, ये कुछ रह गई थी घास और उसी टाइम पानी भी चल रहा था, और ये देखिए बरसात हो गई है तो ये पानी भर चुका है। इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा? और ये हमारा था एप्पल ग्रीन बेर का बगीचा है, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मात्रा में जो है इन्होंने ग्रोथ की है, और ये मात्र 13-13.5 महीने के पौधे हैं, ये आप देख सकते हैं। और उधर साइड में अगर जाएंगे हम तो इससे भी काफ़ी हाइट ले चुके हैं पौधे, आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, और ये पौधे देखिए, और इधर भी आप देखेंगे तो काफ़ी हाइट ले चुके हैं पौधे। तो इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, वीडियो को लंबा ना करते हुए, तो आगे मैं वीडियो लाऊँगा इसके बारे में। तो किसान साथियों, जैसा कि आपने मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि फ्लोरिंग काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में चल रही है,
जो फ्लोरिंग है आप देख पा रहे होंगे, तो ये पौधों में आपको दूर से तो नहीं दिख रही होगी, तो मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा वीडियो में का जो फ्लोरिंग है वो काफ़ी मात्रा में आ रही है, फुल मतलब जितनी जो पौधे में आती है उस हिसाब से आ रही है। और जो मधुमक्खियाँ हैं वो अपना पॉलिनेशन का काम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कर रही, काफ़ी मात्रा में आपको वीडियो के सामने भी आई एक मधुमक्खी जो, तो ये आपको नज़दीक से मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि पॉलिनेशन का काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तो उस समय बारिश हो गई है, तो अब इसका क्या रिजल्ट रहेगा तो ये आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और आपको ये भी दिखाता हूँ कि जो फूल है फ्लोरिंग है वो कितनी मात्रा में आ रही है, तो आइए किसान साथियों आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ। तो किसान साथियों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो फ्लोरिंग है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में चल रही है इस पूरे पौधे में, आप देख पा रहे होंगे ये देखिए, तो इसी तरह सारे पौधों में चल रही है। और ये आपको एक तितली भी घूमते हुए दिखाई दे रही होगी जो पोलिनेशन का काम चालू है, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए फ्लोरिंग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से थे, अब इसका बरसात का क्या परिणाम होगा ये आगे देखने को हमें मिलेगा, ये आप देखिए। और बेर भी शुरू हो गए हैं कुछ कुछ, तो ये आप देख सकते हैं कि एक ये बेर स्टार्ट भी हो गया है। आपने देखा कि मैंने जो बगीचे की आपको सैर कराई है कि पानी जो है बरसात का किस तरह से भरा हुआ है, तो इस ये आपने देख ही लिया होगा कि बारिश काफ़ी हुई है, तो आगे इसका रिजल्ट वीडियो के माध्यम से ही आपको जानकारी दूंगा। तो किसान साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।